दोस्तों काफी ज्यादा वेट के बाद, काफी ज्यादा एंटिसिपेशन के बाद, काफी उत्साह के बाद गेम ये 4G जो है आ चुका है फाइनली हमारी इंडियन जनता के लिए। आज है इंडिया का रिपब्लिक डे, 72nd रिपब्लिक डे है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। हालांकि अभी रात हो चुकी होगी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पर एनीवेज भाई 4G गेम आज दिन में रिलीज हो गई है। अक्षय कुमार सर ने गेम आने से कुछ आधा घंटा पहले ही अपनी पोस्ट वगैरह डाल दी थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी थी, सब कुछ मैंने देख रहा था और सभी की तरह मैं भी स्वाइप अप किए जा रहा था कि कहाँ है डाउनलोडिंग, कहाँ है। सब ऐसे परेशान एकदम हो गए थे कि क्या हुआ, पोस्ट आ गई है, स्टोरी आ गई है, पर ये गेम किधर रह गई। पर भाई गेम अब जब आ चुकी है, मैंने खेल लिया, काफी लोग ने खेल लिया, मेरे घर पे मेरे भाई वगैरह ने काफी खेल लिया, दोस्तों ने खेल लिया, तो सबका रिव्यू लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। प्ले स्टोर पर मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े इस गेम के, 4 out of 5 star अभी मिला हुआ है इसको प्ले स्टोर के अंदर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ रिव्यूज मुझे पॉइंटलेस लगे और कुछ अच्छे भी लगे, सबके बारे में विस्तार से डिस्कस करूंगा और गेम खेलने लायक है या नहीं सब कुछ बताएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई 4G यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ये बेसिकली जो है फुल फॉर्म है और सबको बताया कि थोड़ा पबजी जैसा है ये सुनने में और ऑब्वियसली उसी से इंस्पायर्ड काइंड ऑफ हो के उसी को टक्कर देने आ गया है 4G, जो कि इंडिया की तरफ से आने वाला गेम है। ये बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी एनकोर गेम्स और अक्षय कुमार ने मिलकर जो है ये डेवलप किया है, मतलब अक्षय कुमार सर के भी पैसे वैसे लगे होंगे। एनीवेज भाई गेम प्ले जो है मैंने देखा और ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो मेरे एक्सपेक्टेशंस पार कर दिया गेम ने। मतलब ऑब्वियस बात है क्योंकि इंडिया है ना, ऐसे गेम डेवलपमेंट में उतना ज्यादा रहता नहीं है और मुझे पता नहीं था क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो ही रखी थी कि क्या पता स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब एवं ही हो और फिर धीरे धीरे मे बी डेवलपमेंट में अच्छा बने। पर भाई फॉर श्योर मेरी एक्सपेक्टेशन को तो अच्छे से ना ही बस निभाया है बल्कि उसको पार भी कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेम में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी के लिए एक ही गेम मोड देखने मिलता है जो कि है बेसिकली इनका कैंपेन मोड या ऑफलाइन मोड। तो आप अभी अपने दोस्तों वगैरह के साथ नहीं खेल सकते, कोई ऐसा ऑनलाइन मैचेस वाला ऑप्शन नहीं आया। हालांकि दो और वहां पर गेम मोड जो है ग्रे कलर के किए हुए हैं और कमिंग सून लिखा है उन पे, जिनमें से एक है फ्री फॉर ऑल यानी कि सब बंदा अपने लिए और बस जिसको देखो मार दो, और दूसरा है टीम डेथ मैच यानी TDM जो कि PUBG में भी है, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी है। ये जो कैंपेन गेम मोड है इसमें बेसिकली आप स्टार्ट करते हो एज अ पंजाबी या सिख या जो भी आप बोलो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और उसमें आप अपना नाम सेट कर सकते हो। और बेसिकली पूरा जो अभी कैंपेन है पहाड़ों में सेट है और ये है आपका गलवान वैली की स्टोरी, जहां पर इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई थी, जिसके वजह से ये जो पूरा बवाल अभी चल रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर का, जो बेसिकली जो भी अभी ये पूरा टेंशन वगैरह का माहौल है, एप्स बैन के माहौल है, तो ये सब काइंड ऑफ बोल सकते हो यहां से वो एक ट्रिगरिंग इवेंट था जिसके वजह से ये टेंशन अराइज हुई और बढ़ती जा रही है। पर भाई काफी ज्यादा सही तरीके से प्रेजेंट किया है, मतलब काफी ज्यादा मतलब रियलिस्टिक, आप खेलोगे तो ही समझ पाओगे, वर्ड्स में एकदम इसको बोलना पॉसिबल है नहीं। पर भाई आप एज अ पंजाबी इंडियन आर्मी ऑफिसर स्टार्ट करते हो और आपको धीरे धीरे लेवल्स पार करने हैं और कुछ खोए हुए साथी हैं जिनको आपको ढूंढना है और बचाना है बेसिकली, जिनको वो लोग बोलते नहीं है पर ऑब्वियसली वो चाइनीज सोल्जर्स जो दिखाए हुए हैं उन्होंने कैद किया हुआ है और बंदी बनाकर रखा हुआ है इंडियन सोल्जर को। तो ये तो है स्टोरी लाइन अभी के लिए, उसके आगे शायद अभी है नहीं क्योंकि मेरे भाई ने वहाँ तक कंप्लीट किया और उसने मुझे कहा था कि ये वापस से शुरू हो गया है स्टार्टिंग से, तो शायद अभी के लिए स्टोरी लाइन इतनी है, सुनने में कम होगी, एक ही दिन में ख़त्म हो गई है। पर भाई ऑब्वियसली ये जस्ट एक पार्ट है छोटा सा, अभी और डेवलपमेंट बाकी है गेम। ऑब्वियसली इनको रिपब्लिक डे पे रिलीज़ करनी थी तो हो सकता है कुछ चीज़ें ये लोग ने और प्लान होगी पर वो बन नहीं पाई, और इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको घंटों लग जाएंगे क्योंकि जो शुरू के 3 लेवल्स हैं वो तो काफ़ी ईजी है, जहाँ पर आपको बेसिकली फिस्ट फाइट करनी है, जो भी ऑपोजिशन वाला आएगा आर्मी ऑफिसर उससे आपको फिस्ट फाइट करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है गलवान वैली के अंदर और अपने साथियों को ढूंढना है अलग अलग आपका है। उसके अलावा आग वाग तापने से वहां पर हेल्थ बढ़ जाती है और हेल्थ के नीचे एक और बार है जो कि पता नहीं बोलने के लिए ऐसे कवच जो भी बोलते प्रोटेक्शन वाली बार है पर वो कभी घटती है नहीं। ये थोड़े बहुत बग्स हैं जो आपको मिल जाएंगे गेम के अंदर, पर ऑल इन ऑल जो गेम है काफी ज्यादा स्मूथ है, मतलब कभी भी अटकी नहीं। और उसमें आप बाई डिफॉल्ट मेरे फोन में मीडियम ग्राफिक्स पे सेट थी पर मैंने उसको अल्ट्रा ग्राफिक्स तक में भी खेल के देखा और मेरा OnePlus 6 है, मक्खन चल रहा था बिल्कुल मेरे फोन में गेम। ये जो ऐप स्टोर से डाउनलोड हुई 460 MB की फाइल थी और एडिशनल फाइल्स वगैरह सब कुछ मिलाकर मेरे फोन में 640 MB ऑक्यूपाई किया हुआ है गेम ने, तो बहुत ज़्यादा कोई 4-5 GB की गेम है भी नहीं पबजी वगैरह की तरह। पर हो सकता है और गेम मोड वगैरह आए तो फाइल साइज और इंक्रीज होगी, पर भाई ऑल इन ऑल मेरे को अच्छा लगा और ऑब्वियसली अच्छी बात है कि मतलब कुछ मस्त
इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से गेमिंग वर्ल्ड के अंदर। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गई गेम की बात है, दूसरा पॉइंट जो प्ले स्टोर के अंदर लोग रिव्यू दे रहे हैं, तो अभी राइट नाउ 4 स्टार्स मिले हुए हैं इस गेम को, और भाई कुछ कुछ लोगों ने 1 स्टार दे के बहुत ही अजीबोगरीब किया है। एक रिव्यू का मतलब होता है कि जो आपको मिला है उसकी आप बग्स वगैरह रिपोर्ट करो, या फिर उसमें बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या क्या फंक्शनलिटी मिसिंग है। फॉर श्योर गेमिंग कंपनी जो एनकोर गेम्स है ऑलरेडी उन पर काम कर रही होगी, उसके वजह से 1 स्टार मत दो। मतलब मैंने देखा कुछ लोगों ने 1 स्टार देके लिखा हुआ है गन्स नहीं है फिलहाल गेम में, ये मोड नहीं है, ये ऐड कर दो वो ऐड कर दो। अरे अगर तुम्हें फीचर्स मांगने हैं तो उसके लिए ईमेल होता है, उसके लिए रिव्यू नहीं होता है। अगर आपको और फीचर्स चाहिए आप फीडबैक भेजो, वहां पर डेवलपर कॉन्टैक्ट है, फीडबैक में बोलो कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये ऑप्शंस है, एक बढ़िया से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो। पर यहां पर लोग चालू हो गए हैं कि पबजी का टक्कर नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। पता नहीं हम इंडियंस में ये चीज क्यों होती है कि हम अपनी ही चीज को नीचे गिराने पर लगे हुए हैं। और भाई नीचे मतलब कॉमेंट में लिखा हुआ है लोगों ने रिव्यूज में पबजी इज लव, पबजी को नहीं ले पाएगा, यही पूरा बवाल हुआ था टिकटॉक के जाने पर भी, जहां पर वो एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी कि चाहे कुछ भी इंडियन वर्जन निकल जाए मैं तो टिकटॉक छोड़कर किसी और पर वीडियो बनाऊंगी नहीं। ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो कि कुछ कुछ है। और भाई अगर आप समझदार हो और पढ़े लिखे हो, गवार नहीं हो, तो फॉर श्योर मेरे ख्याल से आपका ऐसा रिएक्शन नहीं रहा होगा। और जनरली मेरी ऑडियंस होपफुली वैसी नहीं है, और मुझे पता है कि ठीक है ऐसे, मतलब पबजी से अभी तुरंत उसको कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि पबजी को आए तो सालों हो चुके हैं, और वो गेम पहले कंप्यूटर की रिलीज हुई थी, कंप्यूटर में पूरी मंज चुकी थी, फीचर्स वगैरह ऐड हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स डिसलाइक्स पता थे ऑलरेडी पबजी को, उसके बाद जाकर फ़ोन पर लाया गया था। तो ऐसा नहीं था कि फ़ोन पर जब वो आया तो एकदम नया नवेला गेम था, और उसके बाद भी काफ़ी साल में जाकर आज जो पबजी है वैसा बना। तो भाई मेरे हिसाब से हमें इस फौजी गेम को भी एटलीस्ट उतना टाइम देना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि क्या वो हमारे उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं। तब नहीं होता है तो एक बात समझ में आती है, पर भाई अभी के लिए आज ही गेम निकला है, वर्जन 1 है, कोई कंप्यूटर पर नहीं निकला, सीधा फोन के लिए एक नया नवेला गेम है, इंडियन कंपनी कुछ ट्राई कर रही है, तो मेरे ख्याल से हम इंडियंस को तो एटलीस्ट इसे सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इंडियन नहीं हो तो प्लीज भाई आप भी ट्राई करो, और वर्जन 1 अगर इनका इतना स्मूथ और इतना अच्छा दिखने वाला है तो सोचो आगे और कैसा होगा। मेरे बात से आप सहमत हो या नहीं नीचे मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको गेम वेम कैसी खेलने में लगी सब कुछ नीचे मुझे बताना, आपकी क्या राय है, अग्री करते हो डिसअग्री करते हो, सबके लिए मैं ओपन टू योर ओपिनियन हूँ, आप मुझे नीचे लिख कर बता दो। वीडियो अगर आपको देखकर मजा आया हो या पसंद आया हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा दो उस लाल सब्सक्राइब बटन को, और उसके बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।